तमाम मीडिया के हमारे भाइयों का, तमाम ख़वातीन का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आज पूरी दुनिया ख़वातीन का दिन मना रही है, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो पाकिस्तान की ख़वातीन को मेरी तरफ़ से इस दिन पे दिली मुबारकबाद। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वोटर सपोर्टर वर्कर ओहदेदारान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो ख़वातीन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो ख़वातीन जिन्होंने इलेक्शन जीता, वो ख़वातीन जिन्होंने जेलें काटी, वो ख़वातीन जिन्होंने पिछले 2 साल में अपनी स्ट्रगल में कभी भी ना अज़्म में कमी की, ना हिम्मत में कमी की, ना हौसले में, उन सबको मेरी तरफ़ से सल्यूट भी है और मुबारकबाद भी है। आज सबको यहाँ बुलाने का, दावत देने का वजह ही यही थी कि मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी किस तरह हमारे 2 सालों की जो स्ट्रगल है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की तारीख में जिस किस्म की मिसालें कायम हुई, पाकिस्तान में जिस तरह की वायलेंस हुई, पाकिस्तान में पाकिस्तान की औरत के साथ सियासत में हिस्सा लेने की वजह से जो रवैया इख्तियार किया गया, वो मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा याद करा दूँ। एक शेर याद आता है, यही याद रह गया है कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, क्योंकि हाफ़ज़े के बीच में अब हादसे इतने आ गए हैं कि हाफ़ज़ा जो है वो हादसा बनता जा रहा है। मैं 24 मई से बात शुरू करूंगी 2021 से। सबसे पहले तो 9 अप्रैल को हम सब जब असेंबलियों से बाहर आए, 9 और 10 अप्रैल की रात को, तो उसके बाद हमारे लीडर ने एक कॉल दी पीसफुल, हमने जो रैली की थी, लॉन्ग मार्च की थी, और वो लॉन्ग मार्च जब रवाना हुआ तो 24 मई से आप सबके कैमराज ने वो विजुअल्स दिखाए जो पाकिस्तान में शायद किसी ने पहले देखे नहीं थे। किस तरह चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, घरों में किस तरीके से दीवारें कूद कर अंदर घुसे, पंजाब की पुलिस ने ख़वातीन पे वायलेंस की, थप्पड़ मारे, बच्चियों के मुंह पे थप्पड़ मारते रहे और पूछते रहे कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया गया इस वजह से क्योंकि उनके ख़ानदान में से, उनके बड़ों में से कोई ना कोई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था। तो ये वाले विजुअल्स हमने पहले नहीं देखे थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि जी पहले भी तो ये होता रहा है, तो मैं आज प्रूफ करूंगी कि पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ना इस लेवल पे कभी हुआ है, ना इस लेवल पे कोई तहरीक चली, ना इस लेवल पे 51% मुल्क की आबादी ने हिस्सा लिया। 24 मई हुई, फिर 25 मई हुई, आपने डी चौक पे देखा, इनमें से बहुत सारी ख़वातीन के विजुअल्स मौजूद हैं, हमारी ऑफिशियल PTI ऑफिशियल पे भी रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी वीडियोस हैं जो आप सब ने भी चलाई, और बहुत सारे आप में से ही भाई हैं जिनके कैमराज ने ही वो फुटेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड की थी, जो हमारे रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन गए कि किस तरह वहाँ पे शेलिंग की गई। और उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्ला मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, चैनल्स में ठट्ठे मार के हंस हंस के बताता था कि जहाँ 500 शेल मारने थे एक्सपायर्ड, वहाँ हमने 650 शेल मारे हैं, हमने इनको निशाने इबरत बनाना है। ये दुनिया में कहीं ऐसा मैंने नहीं देखा। और उस दौरान में मुझे ये भी बड़ा दुख होता था कि ह्यूमन राइट्स की जो बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें हुआ करती थी, और बिलखसूस आज 8 मार्च है तो एक औरत मार्च भी हुआ करती है, वो सारे कोई मीठी लस्सी गुजरा वाले की अच्छी वाली पी के सो गए। उनके ख्याल में ना हम औरतें थीं, ना हम पाकिस्तान के शहरी थे, ना हमारे आइन और कानून में कोई राइट्स थे। हालाँकि उस वक्त हम में से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो असेंबलियों का हिस्सा भी थे, ऑफिशियली मेंबर नेशनल असेंबली थे, और डी चौक असेंबली से, पार्लियामेंट से, दोनों ऐवानों से चंद गज़ के फासले पर हैं जहाँ ये सब कुछ होता रहा, लेकिन असेंबली में किसी ने ना आवाज़ उठाई, ना इन ख़वातीन का किसी ने ज़िक्र किया जिनके सिर पाड़े गए, जिनके घरों में चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई। हमारे साथ यहाँ नाहिद ने आज वटो बैठी नहीं है, उकाड़ा से इनका ताल्लुक है, वेस्ट पंजाब की ये प्रेसिडेंट हैं, इनकी फुटेज चली है और वो भी आप में से किसी भाई ने चलाई थी कि इन पे इतनी शेलिंग की गई कि ये बेहोश हो गई। और हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये सारा वायलेंस बर्दाश्त किया। उससे अब हम अगर आगे चलें
तो ये सारे वायलेंस के बावजूद भी ये सिन्फ़ आहन थी, ये पाकिस्तान की वो आम ख़वातीन थी, लेकिन बाशऊर और सियासी तौर पे जागी हुई ख़वातीन थी, जिन्होंने इतनी सारी फस्तायत के बावजूद, इतनी नेगेटिविटी और इतनी ज़्यादा खौफ के आलम में भी हिम्मत नहीं हारी, और 17 जुलाई को जो इलेक्शंस होने थे उसके लिए भरपूर मेहनत की, डोर टू डोर कैंपेन ऐसी ऐसी जगहों पे जाके ख़वातीन ने की कि फिर उसका नतीजा आपने 17 जुलाई को देखा। और उससे पहले मैं याद दहानी कराना चाहती हूँ, आप सब ने कवरेज की होगी उन बड़े बड़े जलसों की जो पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब बन चुके, जो खान साहब के जलसे उन्होंने 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले किए, ना उससे पहले पाकिस्तान ने ऐसे बड़े जलसे देखे और ना उसके बाद से अब तक कोई ऐसे जलसे देखे हैं। और उन जलसों में खान साहब हमेशा अपनी बहनों का खसूसी शुक्रिया अदा करते थे, जो अपने बच्चों के साथ, जो अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ खुद आती थी, हर उम्र की खातून, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो छोटी बच्चियाँ हैं, चाहे वो दरमियानी उम्र की हैं, व्हील चेयर पर हैं, बीमार हैं, वो आया करती थी और अपना हिस्सा डाला करती थी। तो मैं आज समझती हूँ कि ये 8 मार्च को उन ख़वातीन को आप ज़रूर दोबारा कुछ देर के लिए सही, लेकिन वो क्लिप्स ज़रूर दिखाएं कि मियां वाली जैसे शहर में, खुशाब जैसी जगह में, पेशावर जैसी जगह पे, जहाँ ख़वातीन का निकलना कोई मामूली बात नहीं है, वहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयर्स हमारे छोटे पड़ गए थे। तो इनके जज्बे को सलाम है। 17 जुलाई होता है, पाकिस्तान में इलेक्शन का टर्नआउट अगर आप चेक करें, 32% से ज़्यादा का वोट टर्नआउट जो था वो ख़वातीन का था। पाकिस्तान की 51% आबादी को समझ आ गई कि मेरे बगैर इस मुल्क में पॉलिसी साजी नहीं होगी, मेरी राय भी राय रखती है। मेरी ड्यूटी उस दिन खुशाब में थी और दिन को बहुत बारिश हुई थी, और इतनी बारिश थी कि घुटनों तक पानी आया हुआ था, सड़कें वहाँ की जो है वो काफ़ी लबालब भरी हुई थी, लेकिन मैंने खुद देखा कि छोटे रिक्शों पे पैदल ख़वातीन आ रही थी, अपनी बेटियों को साथ ला रही थी, अपनी बुज़ुर्ग ख़वातीन को ला रही थी और आके वोट डाल रही थी। घंटा घंटा लाइनों में खड़ी रही, पोलिंग को स्लो किया गया विमेन के पोलिंग स्टेशंस पे, लेकिन हब्स के बावजूद भी वो वापस नहीं गई और अपना वोट कास्ट करके गई। और फिर 17 से 18 जुलाई को आपने देखा कि हमारी हुकूमत भी वापस आई। राजनपुर का इलेक्शन मैं बिलखसूस बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान का सबसे साउथ पंजाब का वो पसमानदा इलाका काउंट होता है, वहाँ की खातून ने जब वहाँ का इलेक्शन हुआ, ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है तो मैं लाजमी कहूँगी कि मेरे इलाके की वो ख़वातीन है। ये राजनपुर का वो इलाका है जहाँ पे सैलाब में कोई एक बदतरीन मिसाल कायम हुई थी कि जब रेस्क्यू टीम गई थी तो वहाँ के कुछ मर्द हज़रात ने अपनी ख़वातीन पीछे छोड़ दी थी, बकरियाँ लेके चले गए थे कि ये तो पैसों से आती हैं, ख़वातीन का क्या है। वहाँ पे इतनी बाशऊर ख़वातीन थी कि वो निकली, और राजनपुर के इलेक्शन के आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, 90,000 से ऊपर जो वोट पड़ा तो वो राजनपुर में पड़ा। और उस इलेक्शन से पहले खेत जलाए गए, वायलेंस की गई, बुलडोज़र चलाए गए, पुलिस गर्दी करवाई गई, लेकिन हमारे मुल्क की सिन्फ़ आहन, हमारे मुल्क की जागी हुई बाशऊर औरत नहीं पीछे हटी, उसने अपने वोट का हक पूरा अदा किया और अपना पूरा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान पे किया, और उनके खड़े किए हुए नुमाइंदे को जो बाय इलेक्शन लड़े थे उन्हें लगारी साहब को जितवाया वहाँ से। इसी सब को देखते हुए जो फिर हुआ वो यहाँ बताना बहुत बड़ा मकसद है मेरा। जब हमारे अपोजिशन के लोगों ने, जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो ये देख रहे थे, जिन्होंने एक निगरान हुकूमत फिर बाद में कायम कर दी पंजाब में इलेक्शन के नाम पे, जब उन्होंने पाकिस्तान की आम ख़वातीन को सियासत में दिलचस्पी और अपना हक़ राय दही को इस्तेमाल करने की आगाही देखी, तो फिर उन्होंने टारगेट किया कि इस खातून को वापस घरों में बंद करना चाहिए, इसकी ज़ुबान छीन लेनी चाहिए, इसके अंगूठे पे जो मोर लगाने का जो इसके पास हक है वो इससे छीन लेना चाहिए। उसके लिए क्या खौफनाक किस्म की साजिश तैयार की गई, वो साजिश हमें फिर 9 मई को नज़र आई। 9 मई को पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, ख़वातीन पीसफुल प्रोटेस्ट करने घर से निकली थी, ना किसी के हाथ में कोई डंडा था, ना कोई तोप थी, ना इनमें से कोई खातून जो है वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह कोई बड़े बड़े ऑटोमेटिक वेपन लेके गई थी। निहत्ती ख़वातीन थी,
सिर्फ ज़ुबान से नारे लगा रही थी कि हमारा हक है आज़ादी, और हमारे लीडर को जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में से उठाया गया है, अगवा किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जजमेंट दी थी 12 मई को, उसके मुताबिक उनको रिहा किया जाए, उनको किस खुशी में इस तरह उठाया गया। उस प्रोटेस्ट को फिर जो रंग दिया गया, उस प्रोटेस्ट के बाद जितनी बड़ी बड़े दहशतगर्दी के दफात मेरे समेत जिन खवातीन पर लगाए गए, जिस तरह बालों से घसीट के उन्हें मारा पीटा गया, आपने वो फटे हुए सिर भी देखे, आपने वो मुंह से बहता हुआ खून भी देखा, आपने अपनी ही जैसी, अपने घर में मौजूद बहन बेटियों की जैसी, माओ जैसी जो बेटियां बाहर निकली हुई थी, उनके दुपट्टे खींचते हुए भी देखे, उनको ठुड्डे पड़ते हुए भी देखे, और फिर हर उम्र की हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को आपने जेलों में भी जाता देखा, जिनमें से आज भी हमारी बहनें जेलों में मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका एक क्लिप सबसे ज़्यादा वायरल है कि कोई अंदर ना जाए, डिसिप्लिन कायम रखे, आज वो अभी तक पाकिस्तान की ख़वातीन में बहुत बड़ी दहशतगर्द उनको बना के पेश किया जा रहा है, उनको जेल में बंद रखा गया है। आलिया हमज़ा, जिसको 10 महीने से जेल में रखा गया है। सनम जावेद, इनका आप ज़रा हुलिया देखें, मास उनके आप साइज़ चेक करें कि एक मिडल साइज़ की पतली दुबली सी ख़वातीन है जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी दहशतगर्द बनी हुई है। दफ़ात हैं ATC कोर्ट्स में के ख़त्म हो के नहीं देती हैं, जितने दर्जन और आप दर्जनों में केले और अंडे नहीं जाके आजकल ख़रीदते, उतनी हमारे पे FIRs होती हैं। हम बड़ी खुशी खुशी बताते हैं कितनी दर्जन FIRs हैं, 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, क्योंकि 1-2 तो अब बात ही नहीं रहेगी ना, दर्जनों के हिसाब से FIRs बनती हैं, दर्जनों के हिसाब से दफात बनती हैं। और वाहिद यहाँ पे महंगाई हमें हिट नहीं कर रही, क्योंकि अंडे और बाकी केले वगैरह ख़रीदने में तो आपके पैसे ज़्यादा लग रहे, महंगाई माशाल्लाह जो हुकूमत आई है उसने और बढ़ा दी है, लेकिन FIRs पे किसी का कोई ज़ोर नहीं लगता। जितनी मर्जी FIRs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स और लीडर्स के नाम पर बुक कर दो, कोई मसला ही नहीं है, ना उसका साइज़ देखते हैं, ना ये देखते हैं कि ये मौजूद कहाँ थी। हमें तो माशाल्लाह सुपर वुमेन सबने बना दी है, आज तो हम आपके सामने सुपर वुमेन बन के बैठे हैं। हम एक एक टाइम पे 20-20 जगहों पे पाए गए पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तान की आईन और कानून के मुताबिक। एक वक्त में आप एक जगह पे FIR दर्ज करते हैं एक जुर्म पे। मेरे समेत यहाँ बहुत सारी वो ख़वातीन हैं जिसका एक वक्त में नाम सारे अगर रावलपिंडी के थानों में है तो ऐसी ऐसी जगहों पे हज़रो, अटक, टैक्सला, अब मुझे हाँ जी साथ फैसलाबाद, 10-10 महीने बाद नए केस बन रहे हैं, क्योंकि हम सामने आ गए हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा बोलावा लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो अब मैं फार्मूला पूछना चाह रही हूँ अपनी पंजाब की पुलिस से भी और बाकियों से भी कि ये बताइए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो मैंने पढ़ी थी, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, कि टाइम की जो इरेलीवेंट हो जाता है टाइम, वो थ्योरी क्या ज़मीन पर रहते हुए ग्रेविटेशन के होते हुए भी कारगर है कि एक ही वक्त में अगर मैं एक पुलिस स्टेशन में भी मेरे ऊपर दफात लगी है कि जी मैं यहाँ दहशतगर्दी कर रही थी, तो मैं दूसरी जगह पे भी थी, मैं तीसरी जगह पे भी थी, मैं चौथी जगह पे भी थी, मैं 14 जगहों पर रावलपिंडी में थी, और उसी वक्त में मैं फैसलाबाद में भी थी, उसी वक्त में मैं सरगोधा में भी थी, उसी वक्त में मैं मियांवाली में भी थी, इस किस्म के जो चमत्कार हो रहे थे ये कैसे हुए? ये कोई नई थ्योरी साइंस की फिज़िक्स की आ गई है मार्केट में जो पंजाब पुलिस जिसकी मौजूद है। मैं सलाम पेश करती हूँ आपको 8 मार्च को ख़वातीन के इंटरनेशनल डे पे, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ख़वातीन को सुपर वुमन बना दिया। हम रोशनी की स्पीड से तेज़ उड़ते हैं और हम हवा से भी तेज़ भागते हैं, और हम इतनी स्पीड से सारे कार्रवाइयाँ करके आ गए कि आप लोगों को पता भी नहीं चला, और पता भी चल गया, और 10 महीने बाद भी आपको पता लग रहा है कि ये एक खातून अगर 9 मई को इसका सिर फाड़ा जा रहा था डी चौक में, तो ये मुल्क के बाकी हिस्सों में भी शामिल थी। बहुत शुक्रिया आप सबका कि हमारी जो ख़वातीन अंदर बंद कराई गई हैं, जो हमारी सारी जितनी कैदी ख़वातीन हैं, प्रिजनर्स हैं, आपने बता दिया कि वो सारी सुपर वुमेन है, वो इंसान नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ PTI से है। तैबा राजा हो गई, मैं नाम लूँगी, आशिमा शुजा थी, रुबीना जमील हमारी एक्स MNA है, वो साबिक 3-स्टार लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ हैं,
उनको भी निशान इबरत बनाया गया। फरजाना खान है, उनका घर बाय द वे जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है उससे कोई 500 गज दूर है, वो उसी कैंट में रहती हैं, उनका घर भी वहीं है, तो जियो फेंसिंग में उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसी कैंट के अंदर रहती हैं। एक हमारी ऐसी प्रिजनर हैं जिनका दर्जी के से ड्राइवर जो है वो कपड़े लेने गया था, उनका नाम भी जियो फेंसिंग में आ गया है। वो आज तक अपने दर्जी को कोसती हैं कि कैंट का दर्जी मैंने क्यों रख लिया था, वो भी 3 महीने जेल काट कर आई है। इस तरह की आपको ना सुपर किस्म की आइन और कानून और इंसाफ के तहत ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर मिसालें मिलेंगी जिनको निशाने इबरत बनाया गया 9 मई के हवाले से। हमारी फहमीदा थी, रुबीना रजवान थी, रुबीना परवेज थी, समीरा इमरान थी, इफ़त सदीकी, इरम अकमल, आयशा भुट्टा, फरजाना खान, रोहिना खान, समिया असद, अफशा तारिक, जरी रहमान और बहुत सारी यहाँ पे भी खवातीन मौजूद हैं जिसको किसी को 17 दिन, ये बैठी हैं मुल्तान से तशरीफ़ लाई हैं हमारे पास, कुर्बान फातिमा 17 दिन इनको बंद रखा, शैला एहसान है इनको अडियाला जेल में बंद रखा गया, और बहुत सारी हमारी खवातीन हैं जो अभी तक FIRs भुगत रही हैं, FIRs और रेड्स, क्योंकि पुलिस को और कोई लगता है काम ही नहीं है उनको। जो अभी मैं यहाँ पूछूँगी, हम ज़रा अजान की 1 मिनट ब्रेक ले लें, पानी दे। जी तो ये जो पुरअमन एहतजाज, जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसका हमें हक देता है, आप सबको पूरे पाकिस्तान को 13 मई याद है, 13 मई को रेड जोन में एक प्रोटेस्ट कराया गया, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट हुआ, मरियम नवाज़ ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया, JUIF बिलावल, JUIF के मौलाना फजलुर्रहमान की पीली वर्दी बरदार, वो जो उनकी डंडा बरदार फ़ौज है पीली फ़ौज, वो रेड जोन के डी चौक के सारे गेट तोड़ के वहाँ पर गए, याद है वो विजुअल्स, प्लीज़ निकाल के लगाइएगा। उस दिन इस्लामाबाद से दफ़ा 144 उठा ली गई, उस दिन CDA के टैंकर्स उनको पानी पिलाते रहे, उनकी पूरी मेहमान नवाजी की गई, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट तो राइट था ना, PDM का सिर्फ राइट था, रेड जोन में अगर कोई और चला जाए तो वो तो दहशतगर्द होता है, आतंकवादी होता है, वो कुलभूषण यादव से भी बड़ा दहशतगर्द होता है, उसको उठा लेना चाहिए। लेकिन अगर PDM वहाँ पर खड़े हो के और मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिल्ले इलाही आजकल बनी हुई हैं, उनका तो नाम लो तो ज़ुबान जल जाती है आजकल, अगर वो वहाँ पे उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को बैठ के ये कहें कि आपके घरों को जला दिया जाएगा, धमकियाँ लगाएं, तो वो ज़बरदस्त हो जाता है, वो आइन के ऐन मुताबिक होता है, वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनका बोलने का हक भी है और राइट टू प्रोटेस्ट भी है। लेकिन इनमें से खड़ी हुई कोई खातून समेत मेरे अगर हम प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो हम गद्दार हैं, हम आइन शिकन हैं, हम बहुत बड़े कोई साजिशी बन जाते हैं। कौन सी साजिश हमने की है भाई? हमने कोई ना साजिश की ना मुदाखलत की, हमने उस साजिश और मुदाखलत का प्रोटेस्ट किया था, बस सिर्फ यही हमारी गलती है, जिसको आप सब मान के अब बैठे हुए हैं। हमने कहा था कि साइफर आया है, हमने कहा था कि साजिश भी हुई है और मुदाखलत भी हुई है, आज उसी साजिश और मुदाखलत पे आवाज़ उठाने वाले को आपने जेल में 14 साल की कैद दे दी है, तो आप खुद मान गए हैं कि वाकई साजिश भी हुई थी और मुदाखलत भी हुई थी। 9 मई के बाद क्या हुआ था, जो मैं पहले बता रही थी, साजिश ये हुई थी कि इन औरतों को बंद कर दो, इनकी ज़ुबानों खींच लो, ताले लगा दो इनके मुँह पर, कोई औरत सियासत में ना आए, सियासत में आने का हक सिर्फ उन मरूसियत ज़दा ख़ानदानों को है जिनके बाप और माँ जो हैं वो आला इक्तदार के वानों में रहे हो। पाकिस्तान की आम औरत को क्या हक है, क्यों आए, क्यों किसी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो ऊपर आए, आना तो महारानी साहिबा को चाहिए, डाकुरानी साहिबा को चाहिए, या उनकी ग़ुलाम तर्जमानों को आने का हक है, बाकी ये आम पाकिस्तान की आवाम को तो आने का हक ही नहीं है ना। क्यों निकले राजनपुर में ख़वातीन ने जाके अपना वोट क्यों दिया, क्यों दिया 17 जुलाई को निकल के इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट किया, क्यों जलसों में आई, क्यों आवाज़ उठाई इन्होंने, क्यों इनका दिल करना शुरू हो गया कि ये भी पाकिस्तान की पॉलिसी साजी में हिस्सा ले,
क्यों इमरान खान आम औरत को उठा के असेंबलियों तक लेकर आ रहा है? क्यों तीनों ऐवानों में आपको आम वर्कर नज़र आती है? क्यों आवाम की तर्जुमान नज़र आती है? क्यों मिडिल क्लास फैमिली की औरत बैठ के वहाँ पर आवाज़ उठाती है कि मेरा हक ये है, मेरे साथ की औरतों का ये हक है, मैं जब किसी उसमें हस्पताल में जाती हूँ तो मेरे साथ ये तकलीफ़ होती है, मैं जब किसी स्कूल में अपनी बच्ची दाखिल कराने जाती हूँ तो मुझे ये मसला होता है? वो आम औरत थी ना जो बैठी हुई थी असेंबली में जाके, क्योंकि वो एक आपकी घर से निकल के आई हुई खवातीन थी, आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए उनके सिर भी फाड़े गए, उनको सुपर वुमन बना के उन पे पर्चे भी डाले गए, उनके दहशतगर्दी के भी मुकदमे चल रहे हैं, और वो बहुत बड़ी मुल्क की जो है वो इस वक्त निशान इबरत बनाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या हमारा केपी हो या जीबी हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर किसी औरत की तजलील को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए औरत को टारगेट किया गया, इसलिए ये फुटेजेस चलवाई गई कि अगर आप तुम्हारे घर से औरत निकलेगी हम इसका ये अंजाम करेंगे, बंद कर लो अपनी औरतों को बाहर ना निकलने देना, बंद करो इनको, बिल्कुल नहीं आना चाहिए इनको सियासत में, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर आगे से उड़ेगा और फूल फेंकेगा और वो जो मुख्तलिफ किस्म की झंडियाँ पत्तियाँ लगेंगी तो वो सिर्फ एक औरत के लिए लगेंगी जिसका बाप 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया और जिसको अब मुल्क के ऊपर एक बड़े सूबे पे चीफ मिनिस्टर बना के बिठा दिया गया बस, या वो एक और मुल्क की वज़ीर आज़म गई हैं दुनिया से, उसकी औलाद जब निकलेगी, उसकी बेटी निकलेगी तो उसको इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान की आम औरत निकलेगी तो उसको डंडे पड़ेंगे, उस पर पर्चे कटेंगे, उसका सिर फाड़ा जाएगा, उस पर FIRें होंगी, उससे पुलिस छोड़ने के 17-17, 20-20 लाख रिश्वत मांगेगी, उसके घरों में रेड्स होंगी, उसके घर का सारा सामान उठा के ले जाएगी, जब पुलिस ही सब कुछ लूट के ले जाए तो आप मुझे बताएं FIR किधर जमा कराएंगे, किसको जाके कंप्लेंट करें? आज हमें अपनी मुल्क की पुलिस से डर लगता है, माजरत के साथ खुलेआम बता रही हूँ अपनी सारी बहनों की आवाज़ में, आज हम पुलिस को देखते हैं तो हम डरते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या सलूक होना है, सिर फाड़ेंगे, चादर खींचेंगे या ठुड्डे मारेंगे या FIRें बनाएंगे या हमारे घरों से सामान उठाएंगे या हमारे बच्चों को उठाएंगे। ये मुझे बताएं, आईन और कानून के मुताबिक पुलिस को जब इख्तियार दिया जाता है, उनको जो ये आवाम के मैंडेट से जब वो सर्विस में आते हैं तो वो क्या कसम उठाते हैं, वो क्या ड्यूटी की कसम लेते हैं? अवाम के जान और माल की हिफाजत करने की? मैं आपके सामने इकरार कर रही हूँ कि अब हमें कोई एतबार नहीं, हमें बहुत खौफ आता है अपनी पुलिस से, अपनी इज्जतों का खौफ पुलिस से आता है, हमें नहीं लगता कि वो हमारी हिफाजत के लिए है, और इसमें हमारा कसूर नहीं है, जब हमने डंडे खाए ही पुलिस से हैं, जब मर्द पुलिस ने हमारे बाल नोचे, हमारी औरतों को उठा उठा के प्रिजन वैन में डाला, इनकी चादरों पे, इनके गिरेबानों पे हाथ डाले, तब हमें पता चला कि हम इनको टैक्स पैसे भरते हैं, इनको जो जिन माओ ने पाल पोस के बड़ा किया था उन्होंने इनको ये सिखा के भेजा था कि अपने मुल्क की खवातीन के साथ ये सलूक करना, इनको इस तरह जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाना, इनको आधी रात को जा जा के धमकाना, 3-3 बजे इनको इनके कमरों में से खींच के लेकर आना, बालों से इनको नोचना, और जब ये अदालतों में आए तो इन्हें जलील करना। तो ये 9 मई के बाद वारदात हुई, पाकिस्तान की 51% आबादी को सियासत से, जमहूरियत से, उनके हक से महरूम करने की, लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमने इस धरती की कसम खाई है, किसी का कोई हक नहीं है, ना किसी की जुरत है कि हमारे पे गद्दारी का फतवा लगाएं। हम वो मुहिब वतन औरतें हैं जो अपने बच्चे तैयार करके बॉर्डर्स पे भेजते हैं, हम शहीदों की माएँ हैं, हम वो बहनें बेटियां हैं जिनके बाप, जिनके भाई और जिनके बच्चे हमारी वजह से जाते हैं, हमारी हम उनकी तरबियत करके भेजती हूँ, हम खुद आज़म लेके खड़े हुए हैं, कोई हमें कैसे कह सकता है कि हम मुहिबे वतन नहीं हैं? हम इस धरती के लिए ज़िंदा हैं और इसलिए एक मुहिबे वतन लीडर के पीछे खड़े हैं। आप हमारी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, हमने सिर्फ इस मुल्क की मोहब्बत के लिए ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक इस मुल्क की आम आवाम और इस मुल्क की आम खातून को उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी एक लाडली को मिलती है, तब तक इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की ये खवातीन
और आने वाली सारी खवातीन डट के खड़ी होंगी और उतनी इज्जत और उतनी अहमियत और उतनी सियासत और जमहूरियत में अपने हिस्से के लिए निकलेंगी और अपने मुहिब वतन लीडर के साथ निकलेंगी। आप हमारे ना जज्बों को रोक सकते हैं ना इस जुल्म और सितम से आप हमारे जज्बे तोड़ सके। आपने एक सनम जावेद को इस्तारा बना दिया, आलिया हमजा को आपने एक इस्तारा बना दिया है। शानदाना गुलजार हो, जरताज गुल हो, या फरहाना डार हो, या अजरा मसूद साहिबा हो, या मेहरबानो कुरैशी हो, किसी को भी आपने हराया है। या हमारी जरताज गुल हो, जीती भी हैं अनिका हो, चाहे जितनी खवातीन वो नादिया जट साहिबा हो, जितनी खवातीन है हमारी साइमा कमल साहिबा है जो रहीम यार खान से हाशिम जवाब बख्श आपको हरा कर आ गई हैं, तो जिस सारी जीती हुई खवातीन को जिस तरीके से हराया गया, मेरे अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह 78,000 वोटों से 3 बजे तक मैं जीती हुई थी, 11:30 बजे 9 तारीख को जो है वो पता नहीं कौन सी मखलूक ने सारे वोट चेंज कर दिए और नए कोई वोट डल गए। तो ये वो माइंडसेट था जिसने खवातीन को सिर्फ पीछे धकेलने की कोशिश की है। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस खवातीन को जो धकेलने की साजिश है इससे आपको नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। खवातीन और डट गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग ने इन 10 महीनों में भरपूर काम किया, तंजीम साजी की, तंजीम खड़ी की। ये वो बाहिम्मत खवातीन है, सिंध से आई है, सिंध में थरपारकर से हमारी खवातीन ने इलेक्शन लड़ा है, केपी से, कोहिस्तान से हमारी खवातीन ने इलेक्शन लड़ा है, हमारे साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ा है, हमने बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ा है, चारों सूबों में हमारी खवातीन का जो विंग है, तंजीम हमारी बेहतरीन तरीके से मजबूत है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमने पहले काम किया हम उस तरह काम करते रहेंगे। एंड में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जितना आप हमें धकेलते हैं, जितना आप हमें सियासत से, जमहूरियत से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी हमारी नई खवातीन वोटर्स भी, सपोर्टर्स भी जज्बे के साथ वापस आ रही हैं। ये लड़ाई है फस्ताइयत और मौरूसियत की, जमहूरियत और सियासत से। ये पाकिस्तान की आम खातून, जमहूरियत की अलमबरदार झंडा उठाने वाली खातून की लड़ाई है मौरूसियत और फस्ताइयत से। आप जुल्म और सितम से मौरूसियत हमारे पे इम्पोज़ करना चाहते हैं, हम जमहूरियत से आइन और कानून की पाबंदी के साथ जमहूरियत को इंशाल्लाह पूरी तरीके से वापस लेकर आएंगे। देखिए जो इलेक्शन जीत कर आए हैं ना, पाकिस्तान की आवाम ने उनको वोट देके इलेक्ट किया है। यहाँ पर 984 वोटों से हारने वाली किसी को भी, किसी एक मेंबर को भी केपी असेंबली का हिस्सा नहीं बनाया। जिसको आवाम ने वोट देके इलेक्ट किया है वही वहाँ पर आके इस वक्त काबीना के मेंबर्स भी बने हैं और वही असेंबली का हिस्सा भी बने हैं। 17 सीटों वाली कोई हुकूमत नहीं है कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और झूठा हलफ उठाएं फॉर्म 47 वाला। अब आपने देख लिया है कि फॉर्म 45 की भी कई नस्लें और कई रंग नज़र आ गए हैं, कई किस्में नज़र आ गई हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगी कि जो रिज़र्व सीट का डाका हमारे ऊपर मारा गया है आज पंजाब का, ये जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं ये वो डाका नंबर 2 है जो 9 फरवरी को एक डाका हुआ, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। और उस चोरी शुदा मैंडेट के बावजूद जो अवाम ने नुमाइंदे इलेक्ट किए, फिल्टर लगाने के बावजूद जो लोग नुमाइंदे असेंबलियों में पहुंचे उनके ऊपर फिर मजीद डाका डाला गया है। 90-92 सीटें एक पार्टी ले रही है, पार्लियामेंट्री पार्टी ले रही है, और आप रिज़र्व सीटें हारने वालों को दे रहे हैं। जिसका एक नुमाइंदा असेंबली में बैठा उसको आप 2 रिज़र्व सीटें औरतों की दे रही हैं। जो फार्मूला आपने इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है उसकी आप नफ़ी कर रही हैं। जमहूरियत के साथ जितना, मैं कहती हूँ जितना बड़ा इस्तेहसाल इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त किया है ना, पाकिस्तान की औरत के साथ, पाकिस्तान की खवातीन के जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, ये पाकिस्तान की जो तारीख हिस्ट्री है जमहूरियत की उसका एक बाप बन गया है। ये नोटिफिकेशंस देख लें, आधी रात को गवर्नर चोरों की तरह इजलास बुला रहे हैं और सुबह सुबह उठ के
वो हल्फ लिए जा रहे हैं ताकि जो ख़वातीन जिनका कोई हिस्सा ही नहीं बनता उनको ला के चोरों की तरह जैसे बाकी चोर बिठाए हैं असम्बलियों में उस तरह उनको बिठा दिया जाए और जो हकदार हैं वो सारी बाहर बैठी रहें। ये एक और साजिश है कि ख़वातीन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदा है उनको उनके हक़ से महरूम किया जाए ताकि वो घरों में बैठ सकें। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि ये रिज़र्व सीट्स के लिए हम बाहर नहीं निकलते हैं। मेरे भाई अभी टिक्का खान सानी पूछ रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, हम अपनी बच्चियों के लिए निकलते हैं, हम पाकिस्तान की औरत के लिए निकलते हैं, हम अपने लीडर के लिए निकलते हैं, हम इस मुल्क की मोहब्बत के लिए निकलते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, हम उन लोगों में से भी नहीं है कि लंदन और स्कॉटलैंड बैठे हुए हों, हम इसी धरती पर रहते हैं, मुकाबले करते हैं। आपने 14 FIRें काटी, 4 काटी, 31 काटी, जितनी मर्जी काटी हमने मुकाबला किया है। हम दहशतगर्दी की अदालतों में जाके अपने केस फाइट कर रहे हैं। और यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, परसों रात को खबर आई कि अडियाला जेल पे जो है वो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। कल पूरा दिन मैं ATC की अदालत में रही हूँ, वहाँ तो मुझे सिर्फ PTI के ही बड़े बड़े दहशतगर्दों की शक्लें नज़र आती हैं, किसी पे 8, किसी पे 14, किसी पे 12 FIRें, और उनका ही सारा दिन तमाशा चल रहा होता है। मुझे टेररिज्म की कोर्ट्स में वो टेररिस्ट नज़र नहीं आते जो आधी रात को हमले करते हैं, कभी जेल पे, कभी हमारे लोगों पे बम ब्लास्ट करते हैं। वो कौन सी अदालतों में जाके अपने केस लड़ रहे हैं? क्योंकि सारी पाकिस्तान की जो टेररिज्म की कोर्ट्स हैं, दहशतगर्दी की अदालतें, वहाँ तो बेचारे हमारे जैसे छोटे बड़े जिन्हें दहशतगर्द बना दिया गया, वो अपनी FIRें ले कर खड़े हुए होते हैं मुजरिम बन के, और वहाँ पर हमारा जो प्रोसिक्यूशन होती है वो ऐसे ऐसे झूठ गढ़ के भेज रहे होते हैं, जी इसने जी वो पुलिस की वैन को आग लगा दी थी, इन्होंने जी बंदों का सिर पाड़ दिया था, अल्लाह का वास्ता है बस कर दें। इतना झूठ ना बोलें कि आपको सच और झूठ का फ़र्क ही आना बंद हो जाए। सवाल पूछ रही हूँ कि वो दहशतगर्द जो उस दिन रात को अडियाला जेल के बाहर से पकड़े गए उनको कहाँ रखा गया, उनके ऊपर कहाँ पे मुकदमा चलाया जा रहा है, और कौन सी अदालत में उनको पेश किया गया? हमें उसका जवाब चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी की अदालतों में तो सारा दिन हम रुलते हैं, उनको कौन सी दहशतगर्दी की अदालतों में ले जाया जा रहा है और उन पे केस कहाँ चलाए जा रहे हैं? अच्छा, सवाल ये है कितनी सीटें पूरे पाकिस्तान में ख्वातीन की रिजर्व थी, और क्या आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन या अदालतों तक इंसार करेंगे या जज बाद में भी करेंगे? देखें, तकरीबन 78 के करीब हमारी सीट्स थी जिनमें रिज़र्व सीट्स भी थी और हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट्स भी थी। बाकी देखें, हमारी हमेशा से स्ट्रगल, चाहे हमारे पे जो मर्ज़ी आप इल्ज़ाम लगा लें, हमने आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी स्ट्रगल की ना, हम क्योंकि आइन को इन्होंने अपेरेंटली और प्रैक्टिकली तो मुअत्तल किया हुआ, ये तो आइन को मानते नहीं हैं। उसकी मिसाल आपको 14 मई के इलेक्शन हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं फिर पूछा इलेक्शन कमीशन से कि वो क्या हुआ, जिसमें 13 मई को जो मैंने अभी प्रोटेस्ट आपको याद कराया है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया था, और बेतहाशाएँ जिसमें 6 महीने की आपकी ये मुसलत हुकूमतें रही हैं जो फेडरल में थी और 1 साल तक पंजाब में हुकूमत बैठी रही है, और तकरीबन 10 माह तक आपकी KP के सूबे में हुकूमत बिठाई गई है, ये था आइन का इस्तेहसाल। हमने अपनी हमेशा जंग आइन और कानून के हदूद व कयूद में रह के की है। तो हमारी आइनी जंग अदालतों से शुरू होती है, अदालतों पे ही ख़त्म होती है। बाकी इतवार के दिन हमने प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, जिस अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है उस अवाम का हक बनता है कि वो बाहर निकल के अपनी आवाज़ और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। पूरी दुनिया में, पूरी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में यही तरीक़ेकार है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने का। तो इंशाल्लाह इस रिज़र्व सीट्स का मामला भी, और ये रिज़र्व सीट्स का जो हक हमसे छीना गया है, मुझे अपनी अदालतों से उम्मीद है, मुझे काजी चीफ जस्टिस साहब पे भी उम्मीद है जिन्होंने बल्ला छीनते हुए या बल्ला लेते हुए ये बात की थी कि जब रिज़र्व सीट्स का मामला आएगा तो फिर हम देखेंगे। तो अल्लाह करे कि आज वेमेंस डे का, इंटरनेशनल वेमेंस डे के उस पे मौके पे मैं उनको याद करा दूं कि 51% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हक पर दिन दिहाड़े डाका डाला जा रहा है, हमें अभी भी अपनी सुप्रीम कोर्ट से कुछ कुछ उम्मीद है कि इंसाफ हमारे साथ होगा, और ख़वातीन का यह हक बनता है कि उनसे अगर इस तरीके से उनका हक छीना जाए तो पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक उनको उनका हक दिया जाए और उनके हक की प्रोटेक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक हो, कि एक अक्सरियत जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्पिरिट है कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया आप उसकी सीटें छीन के तो उनको दे दें जिन्हें रिजेक्ट किया है, इसका वो इसका
पासदारी करेंगे और ये केस जो है अदालतों से ही हम इसमें सुरखरुई लेकर अपनी खवातीन का जो हक बनता है उन तक पहुंचाएंगे। देखिए पंजाब पुलिस डायरेक्टली अंडर आती है आईजी पंजाब के, और फिर आईजी पंजाब साहब जो हैं वो जवाब देते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को। ये चेन ऑफ कमांड है, आईनी चेन ऑफ कमांड ये है। अगर तो इसके अलावा भी उन्होंने किसी के ऑर्डर्स लिए हैं तो फिर आईजी पंजाब साहब को तशरीफ़ ला के बताना चाहिए, या फिर उनमें इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए थी कि वो रिज़ाइन कर दें। तो हमारे तो कल्प्रेट वही होंगे ना जिन्होंने ऑर्डर्स दिए और जिन्होंने ये सारी जुल्म बर्बरियत की। मुझे बताएं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन लड़ने के लिए गई हूँ तो मुझे बाहर निकलने नहीं दिया गया। मेरे घर पे रात को 6 दफ़ा रेड्स की गई, मेरी वालदा को और बाकी खवातीन को हरासा किया गया। मैंने कोर्ट से ऑर्डर्स लिए, कोर्ट ने बुला के वहाँ पर डीपीओ को और बाकी सारे जो मुतलका डीएसपी से पूछा कि इस खातून के ऊपर क्या ऐसा केस है कि आप रोज़ इसके घर में रेड्स करें। वो मुकर गए, उन्होंने कहा जी कोई केस नहीं है, हम तो इनको बिल्कुल भी नहीं हरासा करें। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस पड़ी हुई है उनकी आने की, जो रोज़ रात को आके कहते थे आप कैंपेन नहीं करेंगी। आज ही आईजी पंजाब साहब को हमने डायरेक्ट पोर्टल पे कंप्लेंट की है। आईजी पंजाब साहब कोई पपेट हैं कि उनकी कोई डोरे होंगी? वो कोई कठपुतली हैं? अगर वो कठपुतली हैं और उनकी वाकई कोई डोरे हैं तो आके बताएं। फिर ऐसे लोगों को लगाते क्यों हैं? हमें तो वो जीते जाते इंसान, ज़िम्मेदार इंसान लगते थे कि एक बड़े मनसब पे बैठे हैं, और वो अगर उनका ज़मीर नहीं जाग रहा और वो नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो बेचारे कमिश्नर साहब का क्यों जगा दिया था? जब वो बोल गए हैं कि जी इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इलेक्शन में धांधली हुई है, तो उस पे क्या हुआ? सो ये बातें मेरे मुँह से ना आप कहलवाएँ। आईजी पंजाब साहब को बुला के पूछें कि अगर आप कठपुतली हैं और आपकी कोई डोरे हैं तो फिर पूछें उनसे कि कौन हिला रहा था। हमें तो जो जूते पड़ते रहे हैं, जो खवातीन के साथ वायलेंस हुई है उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या उसके ऑर्डर्स या आईजी पंजाब दे रहे थे या इंटीरियर मिनिस्ट्री दे रही थी या सीएम पंजाब दे रहा था जो निगरान वज़ीर आला था। तो हम तो उन्हीं को ही अकाउंटेबल करेंगे कि इनको जो जुल्म और तशद्दुद के लिए मुसल्लत किया गया और एक साल तक वो जुल्म और तशद्दुद हमारे ऊपर जारी रहा। यही 8 मार्च थी पिछले साल, ख्वातीन की रैली थी जिसके ऊपर शेलिंग की गई थी। 14 मार्च के विजुअल्स उठा के ज़बान पाक के देख लें, हम भी आपको वहाँ पे शेलिंग लगे हुए और उल्टियाँ करते हुए और निढाल हुए नज़र आएंगे। क्या वजह थी? क्यों आपने निहत्ते शहरियों पे रेजिडेंशियल एरिया में इतनी वाटर कैनन्स के साथ और शेलिंग भी की और पथराव भी किया है? तो ये तो सवालात जब इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई ट्रांसपेरेंसी होगी तो ज़रूर पूछेंगे।